Hello everyone, welcome to you all, welcome in the class of accountancy where we are dealing with the concept of debenture and we were dealing with the accounting treatment of issue of debenture in the books of company. Students, in the previous classes we were dealing about the concept of issue of debenture and the various accounting treatment in this regard in the books of company related to the fresh issue, related to the consideration other than cash, and also the accounting treatment related to the issue of debenture as a collateral security. हम लोगों ने इससे पहले debenture की बात की थी, debenture के बारे में जाना था, debenture क्या होता है, debenture कितने टाइप के होते हैं और तमाम तरीके की सिचुएशंस जिसमें debentures issue किए जाते हैं उनकी बातें की थी। इस क्रम में हम लोगों ने debenture के fresh issue की बात की थी, साथ ही साथ बात की थी जब डिवेंचर्स को कंसिडरेशन अदर देन कैश के रूप में इशू किया जाता है, यानी जब किसी असेट्स को परचेज करके उसकी पेमेंट के रूप में डिवेंचर इशू किया जाता है, और एक और सिचुएशन देखी थी हमने जब किसी लायबिलिटी या लोन के बदले में पेमेंट ना करके डिवेंचर को इशू किया जाता है इस बिहाफ पे कि अगर डिफॉल्ट की गई तो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में आप डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे। दिस वॉज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। और आज हम इसी क्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दैट इशू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, यानी हम इस क्रम में बात करेंगे दैट व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी व्हेन कंपनी क्लेरिफाई दैट ऑन व्हिच रेट इट विल रिडीम द डिवेंचर, है ना। जब कंपनी रिडीम करती है डिवेंचर को तो इशू करते टाइम ही जो है उसका क्या रेट होगा, यानी किस रेट पे वो रिडम्पशन करेगी, वो रेट जो है वो प्राइस क्या होगा जिस प्राइस पे कंपनी जो डिवेंचर्स है उनको वापस करेगी। ये प्राइस डिवेंचर्स की प्राइस नॉमिनल वैल्यू से हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिवेंचर की रिडम्पशन होगी वो किस प्राइस पे होगी, उस प्राइस को पहले ही क्लेरिफाई करना एट द टाइम ऑफ इशू, इट इज नोन एज इशू ऑफ डिवेंचर एट द टर्म ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, means clarifying, it means clarifying the amount of redemption at the time of issue, at the time of issue, ठीक है, इशू के टाइम रिडम्पशन की प्राइस को क्लेरिफाई करना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, जब कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है और इशू के टाइम बता देती है कि रिडम्पशन का प्राइस क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, अब जो डिवेंचर रिडीम होते हैं वो रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट जो है, रीपेमेंट इट में आइदर एट पार मींस एट नॉमिनल प्राइस और एट प्रीमियम मींस नॉमिनल प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इन दो सिचुएशंस में जो है हम रीपेमेंट करते हैं कि जो एमआरपी है एमआरपी से ज़्यादा पेमेंट करते हैं और कभी कभी एमआरपी से के बराबर पेमेंट करते हैं। इन दो सिचुएशंस को हम डिवेंचर इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में बात करते हैं, तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगी, किस तरीके से इनको कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा और किस तरीके से बुक्स में इनकी जर्नल एंट्री होंगी, आइए देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जब बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, दैट व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी व्हाइल इशूइंग द शेयर और इशू ऑफ द डिवेंचर, देन इशू ऑफ डिवेंचर, देन three situation may take place
as debenture issued as debenture issued at par debenture issued at premium or debenture issued at debenture issued at discount. ठीक है, डिबेंचर में आइदर इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट. ठीक है, अब इसमें जो है अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं जो टर्म्स ऑफ रिडक्शन है. ठीक है, पहले हम अगर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जनरलिटी की बात कर लें तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी. नॉर्मली जब हमने इशू किया था तो ड्यू और रिसीव दो एंट्री की थी हमने. तो पहली एंट्री जब हम इशू करते हैं तो पैसा पाते हैं डिबेंचर का, तो ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, और अगर कॉस्ट स्पेसिफाई नहीं होती है तो हम पूरे पैसे को एक ही बार में कलेक्ट करते हैं और इसके लिए लिखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, बी डिबेंचर मनी रिसीव. ठीक है, डिबेंचर मनी को हम रिसीव करते हैं. ठीक है, एंड सिमिलरली एट द सेम टाइम जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में तो द सेम एंट्री द सेम क्रेडिट साइड ऑफ द प्रीवियस ट्रांजेक्शन में भी डेबिट है as debenture application and allotment account debit and account debit to x percent debenture account x percent debenture account. ठीक है, so this was the situation when the debenture amount transferred to x percent debenture account. ठीक है, this is the situation when the transaction of transaction of issue of debenture are recorded in the books of company. ठीक है, जब company जो है debenture issue करती है और वो भी कैसे issue करती है at par, तो ऐसी condition में normally हमने ये entry पढ़ी थी. ठीक है, but when the terms of issue is also included in this situation, जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि इस डिबेंचर को हम पार पे इशू करते हैं और रिडीमेबल होता है हमारा और रिडीमेबल होता है हमारा रिडीमेबल होता है हमारा आइदर ऑन पार और ऑन डिस्काउंट. ठीक है, रिडीमेबल एट पार और रिडीमेबल एट डिस्काउंट. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है जब हम पार पे रिडीम करते हैं तो पहली एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सेम एंट्री हो जाती है हमारी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. एंड मीनवाइल जब हम इस डिबेंचर को
ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने की कंडीशन में हम अगर स्पेसिफाई की है दैट डेबिटर आर एलिजिबल एट पार, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं दैट डेबिटर आर गोइंग टू बी रिडीम। एंड क्योंकि अगर सिंपली अगर हमने पार पे इशू भी किया है, हमने इशू भी पार पे किया है एंड वी आर गोइंग टू रिडीम एट पार आल्सो, ठीक है, इट मींस हमने अगर बात करें कि 100 रुपए जो है कलेक्ट किए थे, ठीक है, एंड मीनवाइल 100 रुपए हम रिडीम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, 100 रुपए रिडीम भी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पार और मतलब कलेक्शन और रिडम्पशन में कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो इट मींस देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस टेकिंग प्लेस इन दिस सिचुएशन, ठीक है। और इसलिए जब ये सिचुएशन आती है तो कंपनी किसी भी तरीके की कोई चेंजिंग इस ट्रांसफर वाले एंट्री में नहीं करती, ठीक है, नो चेंज इन दिस एंट्री, नो चेंज ड्यू टू नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री दूसरी वाली हो जाएगी हमारी दैट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंटेड टू एक्स परसेंट, टू एक्स परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। यहां पे नरेशन भी सेव कर देंगे हम एज द बीइंग डिबेंचर अमाउंट ट्रांसफर टू एक्स परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये सिचुएशन क्या है, ये तब की सिचुएशन है जब कंपनी डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर इशू करते टाइम जो है स्पेसिफाई किया दैट डिबेंचर आर गोइंग टू बी रिडीम्ड एट पार और एट डिस्काउंट, ठीक है। हमने एक बार फिर से क्लेरिफाई करने की कोशिश की दैट लेट अस सी इट अगेन दैट व्हेन डिबेंचर आर इशू विद द टर्म ऑफ रिडक्शन, इट मींस कंपनी क्लेरिफाई द अमाउंट ऑफ रिडक्शन, द अमाउंट ऑफ रिडक्शन एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है, इशू के टाइम कंपनी स्पेसिफाई कर देती है दैट व्हाट इज द अमाउंट दैट इज टू बी रिडीम्ड बाय द कंपनी, कंपनी जो पैसा ले रही है आपसे डिबेंचर के रूप में उस पैसे को वापस करते समय वो क्या एंट्री करेगी, इस अमाउंट के साथ जो है मेंशन करेगी, इस अमाउंट के साथ आपको रीपेमेंट करेगी, इसको स्पेसिफाई कर देती है दैट इज नोन एज इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो व्हाइल इशू ऑफ डिबेंचर, इशू के टाइम जो है अगर बात करें तो सबसे पहले हम तीन सिचुएशन देखते हैं, डिबेंचर को हम पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं या डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पार पे इशू करते हैं तो नॉर्मली हम एंट्री करते हैं, जब हमने स्पेसिफाई नहीं किया है डिबेंचर के रिडम्पशन को, नॉर्मली हम क्या एंट्री करते हैं, नॉर्मली हमारी एंट्री होती है दैट विदाउट स्पेसिफाई टर्म्स, ठीक है, बिना टर्म को स्पेसिफाई किए हम ये दोनों एंट्री करते हैं, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की बात करते हैं और इसके बाद उस पैसे को हम अपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू एक्स परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हमारी होती है व्हेन द कंपनी इशूड द डिबेंचर एट पार, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में जो अल्टीमेटली रिडक्शन की कंडीशन अगर ऐड कर देती है कंपनी, स्पेसिफाई कर देती है व्हाट इज द अमाउंट दैट इज रिडीमेबल बाय इट, तो ऐसी सिचुएशन में हम दो तरीके की रिडक्शन देखते हैं, दैट कंपनी इशूड द व्हाटएवर द डिबेंचर विल बी रिडीम एट पार और एट डिस्काउंट, कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए उसको या तो वो पार पे इशू करेगी, पार पे रिडीम करेगी या तो प्रीमियम पर रिडीम करेगी, यानी ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, कंपनी ने कलेक्ट किया कलेक्शन 100 रुपए का किया, ठीक है, कलेक्शन 100 रुपए का किया और रिटर्न कर रही है
दो तरीके से, या तो मोर देन मोर देन 100, ठीक है, या फिर लेस देन 100, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिडक्शन होता है, दैट इज रिडक्शन रिडीमेबल एट बार एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट। यहाँ पे जो एंट्री आपने देखी, दैट इज रिडीमेबल एट पार, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडीमेबल एट डिस्काउंट की। तो जब हम रिडीमेबल एट डिस्काउंट की बात करते हैं, तो जो पहली एंट्री होती है, दैट इज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है, ठीक उसी तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर देंगे। नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। तो नरेशन भी एकदम सेम रख देंगे, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। अगर डिबेंचर की बात नरेशन की बात करें, तो नरेशन बिल्कुल सेम रहेगी एज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, डिबेंचर मनी रिसीव, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट पे जब रिडीमेबल होगा और इशू के टाइम हम एंट्री करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ इशू वी विल इनिशियली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विच इज कलेक्टेड बाय द कंपनी, और यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम डेबिट करके डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एट द सेम टाइम जब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री हो जाएगी हमारी, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जिस चूंकि हमने पार पे इशू किया है, तो पार पे इशू करने के कारण कंपनी को लॉस तो हो नहीं रहा है, लेकिन जब कंपनी डिस्काउंट पे रिडक्शन कर रही है, ठीक है सर, सॉरी डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट केवल ओपन मार्केट में पॉसिबल है। हम बात करते हैं केवल किसकी, जो या तो इक्वल टू जो है अल्टीमेटली प्राइस हो, या तो प्राइस इक्वल हो, या तो अल्टीमेटली जो प्राइस हम दे रहे हैं उस प्राइस से ज़्यादा रिटर्न, ठीक है। यानी कि एट पार एट प्रीमियम होगी, है ना। मींस कि कंपनी जो है या तो पार पे रिड्यूम कर सकती है, या तो प्रीमियम पे रिड्यूम कर सकती है, जो अल्टीमेटली रिडम्पशन एट डिस्काउंट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ ओपन मार्केट ओनली, ठीक है। माइंड इट, जो डिस्काउंट की डिस्काउंट पर रिडक्शन होता है, वो केवल और केवल ओपन मार्केट में ही एप्लीकेबल होता है। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। ये कंपनी की फिक्स रिडक्शन है, इसको हम ओपन मार्केट के तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी एक अलग ट्रीटमेंट होगी दैट वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है। तो इस समय हम बात कर रहे हैं दैट इज डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। जब पार से इशू करेगी, तो जितना पैसा पाना है होता है उतना पैसा पाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और जब एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न करेगी, तो एक्स्ट्रा पैसे से ये जो एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी के लिए एक कैपिटल लॉस है। और इस कैपिटल लॉस को हम दिखाते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस नाम से दिखाते हैं। इसीलिए इसी अकाउंट को हम स्पेसिफाई करेंगे, इस एंट्री में ऐड कर देंगे
ऐसी कंडीशन में जो एडिशनल एंट्री हो जाएगी लॉस की, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू एक्स परसेंट डिबेंचर एंड फॉर दिस एडिशनल अमाउंट विच इज गोइंग टू बी पेड इन फ्यूचर द प्रीमियम विल बी स्पेसिफाइड एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन विल बी रिकॉर्डेड हियर, ठीक है। जो डिबेंचर की अमाउंट है अल्टीमेटली वह एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की जाएगी, और जो लॉस की अमाउंट है जिसको हम अल्टीमेटली एडिशनल पे कर रहे हैं, दैट विल ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल कि अल्टीमेटली जो एडिशनल पेमेंट हम कर रहे हैं वो एडिशनल पेमेंट कैपिटल लॉस है, और इस कैपिटल लॉस को लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इन दिस कॉन्सेप्ट वी आर डीलिंग विद दैट दिस लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड इट विल ट्रांसफर टू द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में नरेशन हो जाएगी हमारी एज बी डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। आज हमने दो कंडीशंस की बात की जहां हमने देखा कि जब कंपनी डिबेंचर को पार पे इशू करती है और रिडक्शन दो तरीके से करती है, आइदर और एट पार और एट प्रीमियम, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम इसको अकाउंटिंग बुक्स कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इनकी बात करेंगे, इनकी बात हमने की। सो लेट अस रिवाइज द एंटायर कॉन्सेप्ट सो दैट इट कुड बी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। हमने कहा दैट इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेरिफाइंग द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, वेयर रिडम्पशन इज द रीपेमेंट दैट वी मेक बाय द कंपनी एंड दिस रीपेमेंट विल मेक एट पार और एट प्रीमियम, मतलब जो नॉमिनल प्राइस है उतनी ही प्राइस हम देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन एट नॉमिनल प्राइस और रिडम्पशन एट पार। लेकिन अगर जो नॉमिनल प्राइस है उससे अगर कुछ ज्यादा देते हैं हम, तो दिस इज नोन एज रिपेमेंट एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट प्रीमियम ऑल्सो, ठीक है। इन दिस केस व्हाट एवर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सो दैट टेक प्लेस इन द बुक्स ऑफ कंपनी वाइल इशू ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर इशू करते हैं तो इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, इसको हमने तीन कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज किया। कंपनी अपने डिबेंचर को इशू करती है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, मतलब नॉमिनल प्राइस लेकर के, अगर नॉमिनल प्राइस के बराबर डिबेंचर इशू करती है तो दिस इज नोन एज डिबेंचर इशू एट पार। नॉमिनल प्राइस लेकर के उससे नॉमिनल प्राइस से ज़्यादा लेकर के जो है नॉमिनल प्राइस अगर आपके डिबेंचर पे इशू करती है तो दिस इज नोन एज डिबेंचर इशू एट प्रीमियम, और जितना नॉमिनल प्राइस है उससे कम कलेक्ट करके पूरे पूरे डिबेंचर इशू कर देती है कंपनी, तो दिस इज नोन एज डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। सो इन तीन कंडीशन में कंपनी अपने डिबेंचर को इशू करती है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टर्म, तो टर्म जो आपकी रिडक्शन का होता है, रिडम्पशन की टर्म केवल दो होती है, दैट इज रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है डिस्काउंट पर भी रिडम्पशन कर सकती है, लेकिन ये डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है केवल ओपन मार्केट में, ठीक है। और नॉर्मली जब कंपनी ऑब्लिगेशन देती है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी स्पेसिफाई करती है दैट इट मे रिडीम द डिबेंचर एट पार और एट प्रीमियम। यहाँ हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके लिए देखी, तो पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी जब कंपनी डिबेंचर को पार पे इशू करती है, तो ऐसी कंडीशन पे
पार पे इशू करती है पार पे डिप करती है, देन देयर इज नो चेंज इन द नॉर्मल एंट्री। पैसा जो कलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और डेबिटर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे, और इसके बाद उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो डेबिटर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू एक्स परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। लेकिन जब कंपनी प्रीमियम पे रिडीम करती है पार पे इशू करके, तो ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिटर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे देती है कंपनी दैट इज कैपिटल लॉस, तो इस कैपिटल लॉस को लॉस ऑन इशू ऑफ डेबिटर के नाम से क्रेडिट किया जाता है। सो इन दैट कंडीशन दैट लॉस ऑन इशू ऑफ डेबिटर विल ऑल्सो डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन, एंड द फाइनल एंट्री इज डेबिटर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डेबिटर डेबिट टू एक्स परसेंट डेबिटर टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन। दिस इज द एंट्री ऑफ इशू विद द टर्म ऑफ रिडक्शन, एंड दिस टर्म इज अ टर्म ऑफ रिडक्शन एट प्रीमियम। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस टॉक सम मोर सिचुएशन इन दिस केस।